जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रेगुलर हम आपको वार्ड्स दिखाते हैं और वार्ड कवर करते करते हम वार्ड नंबर 20 तक पहुंच गए हैं। और पिछले जो हमने वार्ड्स कवर किए ज़्यादातर लोगों ने इसी वार्ड का जिक्र किया कि जी ग्रीन बेल्ट पार्क बहुत बना हुआ डेवलप्ड है और हम भी चाहते हैं हमारे वार्ड वैसे बने। तो हमने आज इस वार्ड को देखना है कि क्या वार्ड ये कितना रोल मॉडल बनने लायक है, क्या कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रखी हैं। और जितना नाम तमाम जगहों पर गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क का होता है कि असल में वैसा नाम है। चलिए आइए चलते हैं। वार्ड नंबर 20 में यूं तो कोई दिक्कत परेशानी दिखती नहीं है क्योंकि ये पॉश एरिया है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं और वीवीआईपी एरिया है, लेकिन कुछ जगह यहाँ पर भी गंदगी दिखी जाती है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दो डस्टबिन हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, हालांकि जब ये प्रॉपरली अपने स्ट्रक्चर पे होते हैं तो काफ़ी हाइट में होते हैं और काफ़ी कूड़ा इनमें जो है वो रह सकता है, लेकिन ये टूटे हुए हैं, बिल्कुल डैमेज्ड हैं। और अगर आप इससे आगे वाले, ये तो आपको दिख रहा है, इससे आगे वाला जो है वो बिल्कुल टूटा हुआ है और इसमें भी कूड़ा फेंका हुआ है इकट्ठा इकट्ठा करके। और सड़क में, हालांकि यहाँ पर ये है कि ये सड़क से जितना भी इकट्ठा करके इसके अंदर डाल दिया गया है, लेकिन खूबसूरत जगह है। आसपास आप यहाँ पे बड़े बड़े पार्क्स देख सकते हैं, मेन ग्रीन बेल्ट पार्क की रोड है, लेकिन अगर दिन भर इस तरह से यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इमेज नहीं जाती है अच्छी की। एक तरफ तो एरिया वीवीआईपी है, बड़े बड़े यहाँ पे लीडर्स रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, लेकिन जब गंदगी इस तरह सड़कों पर है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जो कहें कि मैसेज नहीं जाता है। वार्ड नंबर 20 में वाल्मीकि कॉलोनी भी आता है और तंग गलियां हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रिहायशी इलाका भी है। अगर हम आपको दिखाएंगे इस तरह की गलियां हैं, ज़्यादा खुली भी नहीं है और ड्रेनेज भी उसकी भी ब्लॉक्स हैं और पीने के पानी की यहाँ समस्या है। मैडम क्या नाम है आपका? रानी। रानी जी क्या समस्या सबसे ज़्यादा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? इधर कोई सफाई करने काम में आते हैं, एक पानी नहीं आता, ऊपर से देखो ना ये तारे, कोई बिजली वाला नहीं देखने आता, कोई केबल वाला नहीं देखने आता। तो ये जब बिजली यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट भी होता होगा, तारें शॉर्ट भी कर देती है, जब बारिश आएगी तो शॉर्ट तो करेगी। इतनी केबल कितनी है देखो ना, केबल कितनी, आग लगने का खतरा बना रहता है। तो खतरा तो कल बना था जब बारिश आई थी। अच्छा, हुआ था। और क्या है, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है सानू, पानी की है 10-12 घर है, बिल्कुल पानी, एक टाइम आ गया तो दो टाइम पानी नहीं आना। कॉर्पोरेटर आंदा गया चक्कर लगा, कॉर्पोरेटर ने बुलाया तो जा बड़िया चर्च च। अच्छा, चर्च वाली गली बनवा गया तो इधर वेखनी नहीं आया, फिर जे फिर वी की साढ़े प्रधान ने समस्या भी तू इधर आना ही, इधर देखना ही, इधर बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की गली नहीं बनी, नालियाँ चो सिजदा पानी अंदर जाता है। तो फिर आया आया, अज कोई 15 दिन हो गए, होके गए नू दोबारा कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हूँ जल्द बरसात आई थी पानी साढ़े अंदर बढ़ गया। अच्छा, किन्ना किन्ना सी पानी? तो कोई 2-2 फुट साढ़े अंदर चले गया पानी, देखो ना, नाली निकालने कोई नहीं आता। जो कहें रहो तो कह गए आने आने आने, सड़क पास बंदा ही नहीं, बंदा ही नहीं, बंदा ही नहीं। दसो की करना चाहिए? आप देखिए जरा ये ऊपर तारे देखें जरा किस तरह से जाल, और एक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी तारे हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और अगर थोड़े से भी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। दूर तक आप नजर घुमाइए। खंबे तारा इतो बड़ी अग निकलती पी है। हाँ, कल परसों बहुत अग निकलती पी है तारा। बाकी पीने के पानी की समस्या? पानी की समस्या ही सामने घरों पैप ला के फिर पानी भरने, महीने दो अपने घर मासा पानी नहीं आवा, नलके नहीं, कोई चुक दी मोटर, पानी नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने घरों सामने घर पानी लैके तो मोटर लाने, उन्होंने घर आता है, घर आता तो उधरों लैके पैप तो फिर मोटर अपनी चलाने। कभी कारपोरेटर ने दसिया नहीं कि भाई ये मसला है? दसिया ही गए हैं, वो बोला थे आवेंगे आवेंगे बाद च, उधरों करके चर्च वाले बने करके गली भी बन गई उन्होंने, सब कुछ हो गया, सब इधर मल्ले साढ़े च गली च नहीं आया कोई। साफ सफाई वगैरह इतने कोई आता कर? साफ सफाई करने वाले कर देते हैं सुबह। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, इस तरह से ये पूरे दिन यहाँ से चलते हैं, और इसी खतरे के बीच में कभी भी कोई तार बिजली की टूट के नीचे गिर सकती है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं और नालियाँ भी ब्लॉक हैं, कहें कि बहुत मुश्किल आता है। लेकिन यहाँ पर नज़र होनी चाहिए, इस तरह के ये खुले खुले ढक्कन हैं
और कोई भी गिर सकता है। नालियाँ पूरी गंदगी से भरी हुई हैं। वाल्मीकि कॉलोनी में जो ड्रेन्स बनाई हैं उनके ऊपर जो इन्होंने लोहे के जंगले लगाए हैं वो तो टूट चुके हैं मैक्सिमम, और उसको रिपेयर भी नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? कमल कुमार। कमल जी, ये कितने टाइम से ऐसे यहाँ पे जंगले ऐसे हैं? ये 15-16 दिन हो गए, ये तो कोई उठा के ले गया पता नहीं, उठा के ये टूट गया ये। हाँ। ये वाला। अच्छा, तो आपने शिकायत नहीं की कॉर्पोरेटर से यहाँ की नालियों को ढक दिया जाए क्योंकि स्मेल बड़ी आती है, बंद गलियाँ ये? सर ये ढकने का कोई फायदा नहीं है, बंद हो जाती हैं फिर पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, क्योंकि ये नालियाँ छोटी नालियाँ हैं। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जब जाएँ गुजरते हैं ये गिरने के नाली में गिरने का खतरा बना खतरा तो है ही, बच्चे जाएंगे तो गिरेंगे ही। हाँ, तो अब आपने इसकी कंप्लेंट दी है कि ये इसको ठीक? अभी तक तो दी नहीं है, मैंने बोला था लड़कों को। हाँ। वो बोलते गलियाँ नहीं बनेंगी तो फिर दोबारा लगवा देंगे, देखो तब तक मतलब ऐसे ही रहे। तब तक ऐसे ही, बरसात बड़ी आती है तो पानी बाहर निकलता होगा सारा, जब बंद हो जाते फिर भी तो निकलेगा ही, लोगों के घरों में भी जाता है? घरों में नहीं जाता, बाहर निकलता है, गलियों में गंदगी निकल जाता है बाहर, गंदगी वो गंदगी फैल जाती है। ये समस्या है यहाँ पर कि इस तरह से जो ढक्कन बनाए गए हैं नालियों के वो उखड़ जाते हैं, और जब उखड़ जाते हैं तो कई कई दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं। अंदर वाल्मीकि कॉलोनी की जो इस तरह गलियों की हालत है, नालियाँ बड़ी देर से जो कहें कि दोबारा बनी नहीं है, स्लोप नहीं है, बिल्कुल पानी निकलने की निकासी नहीं है सही से, और जो टाइल्स जहाँ उखड़ गई वहाँ उखड़ गई, वहाँ पे मलबा पड़ा रहता है। एक कब से यहाँ पर ये हालत है? ये सारे हो गए कोई 5-6 साल हो गए। पहले पहले टैलां मतलब टुट जांदियां आ, मोह जी टैलां पक्कियां ला के नहीं जांदे, कच्चियां जी टैलां ला जांदे गवर्नमेंट, इस तरह ही बाद फिर यही हाल हो जांदा, जे कदी पैप ब्लॉक हो जाए वो पुट दिंदा, फिर उही हाल हो जांदा, नालियां बनदियां नहीं है, कुछ नहीं है महाराज, इस तरह ही हर एक जिहड़ा प्रधान बनदा कोई भी सोचदा नहीं है कुछ भी, महाराज किनू जा किहदे कोल जा करिए। कॉर्पोरेटर आंदा कदे इत्थे? कॉर्पोरेटर चक्कर लांदा जिहड़ा? कॉर्पोरेटर आंदे महाराज उधर उधर रोड वाली साइड चक्कर लांदे, इधर महल्ले दे अंदर कोई आंदा ही नहीं है, कोई कॉर्पोरेटर नहीं आंदा, पहले आंदे ही पहले आ जिहड़ी लवा के पीलियां लाल टैलां पहले लवा के कॉर्पोरेटर आया पहले ला गया, नालियां नहीं बना गए, नालियां इह लोकां ने बनाईयां इधर घर वाल रहिण, ते नाले च महाराज पानी आंदा लोकां दे घरां च वड़ जांदा, बहुत ज्यादा पानी आंदा फिर बहुत ज्यादा, परसों पता किन्ना महाराज पानी आया साडे इत्थे अंदर तक पानी आ गया, इत्थे लोकां दे घरां च वड़ गया, जाके उधर सारे जाके पुछो एक बारी भी किन्ना केड़े केड़े घर पानी वड़िया तुहानूं दस्सांगे। जी जी, पानी की बड़ी समस्या है, और ये गली आगे आप जा रही है आगे नाला आता है और वो नाला इतना ज्यादा फ्लो करता है कि पूरा इलाका जो है सबमर्ज हो जाता है, पानी में डूब जाता है, और घरों घरों में गलियां क्योंकि छोटी छोटी गलियां तंग गलियां हैं, ये देख सकते हैं बिजली की तारों की हालत। ये एरिया अगर इसको आपने डेवलप नहीं किया, क्योंकि वार्ड नंबर 20 में भी ये भी आता है, अगर आपने इसको डेवलप नहीं किया और बाकी इलाका डेवलप हुआ तो उसमें भी कोई आपकी वो कहें कि वाह वाही नहीं है, क्योंकि जो इलाके ऑलरेडी साफ़ सुथरे हैं और सबका फोकस उन पर शुरू से ही रहता है। तो ये जो वाल्मीकि कॉलोनी है, अब जब कहें कि ये लोग डोमिसाइल बना रहे हैं और पूर्णतः इनको जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के इनको राइट्स मिल गए हैं, तो इनको बाकी जो सुविधाएं हैं जो बाकी जम्मू शहर वासियों को मिलती हैं तो यहाँ पे यकीनन मिलनी चाहिए, लेकिन फिलहाल गंदगी भरपूर है यहाँ पर। वार्ड नंबर 20 जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क का एरिया, गांधीनगर का एरिया बहुत पॉश है, और अगर हम तमाम अलग अलग वार्ड्स की बात करें तो वहाँ पर लोग एग्जाम्पल्स देते हैं गांधीनगर जैसा वार्ड होना चाहिए, कितना साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमने असल हकीकत देखी जाके उन तंग गलियों में जाकर जो कि ग्रीन बेल्ट पार्क, गांधीनगर और वाल्मीकि कॉलोनी भी वार्ड नंबर 20 में आता है, वहाँ अगर आप जाएंगे आप एक मिनट खड़े नहीं हो सकते। तो वहाँ किसने ध्यान देना है ये भी यकीनन यहाँ के काउंसलर को उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि मैं 3-4 दिन व्यस्त हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो अगर एक प्रायर मीडिया चैनल को जो लगातार अलग अलग वार्ड्स कवर कर रहे हैं, हम सबकी समस्या है, क्योंकि ये हमारी समस्या नहीं है, हम जनता की समस्या लेकर उनके काउंसलर तक जा रहे हैं ताकि जल्दी उनका निवारण मिल सके, उसका सलूशन मिल सके, लेकिन जब हमें ही जवाब मिलता है कि अब 3-4 दिन बाद मैं मिल सकता हूँ, तो सोचिए आम जनता का जिनसे ये काउंसलर उनके डायरेक्ट अप्रोच में नहीं है तो उनसे किस तरह रब्ता होता होगा, जिस कारण बहुत समस्याएं हैं। जो मेन ग्रीन बेल्ट पार्क है उसकी जो बैक साइड की कई सारी गलियां हैं, सड़कें हैं, अभी भी वहां पे कूड़े के ढेर हैं, हमने आपको विजुअल्स भी दिखाए, गंदगी भी दिखाई, और ये इस तरह के दृश्य भी हैं, बहुत सारी मार्केट्स हैं, VVIP एरिया है, और जो डस्टबिन हैं टूटे हुए हैं, फटे हुए हैं, और जब बरसात आती है तो असली जो रियलिटी है वो गांधीनगर और गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क की पूरी तरह खुल जाती है। तो क्या ये जो जिसको सबकी जिस इस वार्ड को जो सबको रोल मॉडल बना कहते हैं, तो इसकी हकीकत आपने देखी? तो आप खुद अनुमान लगाइए जब बरसातें आती होंगी तो यहाँ का क्या हाल होता होगा, और कंप्लेंट्स जब लेके जाते होंगे
तो यहाँ के काउंसलर साहब किस तरह से लोगों से लोगों को एड्रेस करते होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटियाड, वार्ड नंबर 20, जम्मू।